25वां अध्याय सूर्यवंश का वर्णन। भरद्वाज जी बोले, सुत जी, आपने सर्ग और अनुसर्ग का वर्णन किया, विचित्र कथाएं सुनाई। अब मुझसे राजाओं के वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित का वर्णन किया। सुत जी बोले, पुराणों में राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यहाँ मैं राजाओं के वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित का संक्षेप से वर्णन करूंगा। महामते विप्रवर, इसे आप तथा अन्य मुनि भी जो कथा श्रवण के लिए यहाँ आकर ठहरे हुए हैं, सुने। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनसे मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से मनु, मनु से इश्वाकु, इश्वाकु से विकुक्षि, विकुक्षि से द्योत, द्योत से वेन, वेन से पृथु, और पृथु से पृथ्वाश्व की उत्पत्ति हुई। पृथ्वाश्व से असंख्याताश्व, असंख्याताश्व से मानधाता, मानधाता से पुरुकुत्स, पुरुकुत्स से ऋषद, ऋषद से अभिशंभु, अभिशंभु से दारुण, दारुण से सगर, सगर से हर्यश्व, हर्यश्व से हारित, हारित से रोहिताश्व, रोहिताश्व से अंशुमान तथा अंशुमान से भगीरथ उत्पन्न हुए। भगीरथ से सौदास, सौदास से शत्रुंदम, शत्रुंदम से अनरण्य, अनरण्य से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से अज, अज से दशरथ, दशरथ से श्रीराम, श्रीराम से लव, लव से पद्म, पद्म से अनुपर्ण, और अनुपर्ण से वस्त्रपाणि का जन्म हुआ, वस्त्रपाणि से शुद्धोदन, और शुद्धोदन से बुध, बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुध से सूर्यवंश समाप्त हो जाता है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय हैं, उनमें से मुख्य मुख्य लोगों का यहाँ वर्णन किया गया है, जिन्होंने पूर्व काल में इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया है। मुने, यहाँ मैंने सूर्यवंश का वर्णन किया है, जिसमें प्राचीन काल में अनेकानेक नरेश हो गए हैं। अब मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले चंद्रवंशीय परम उत्तम राजाओं का वर्णन आप लोग सुनें।